साहित्यिक मासिक काव्य संगोष्ठी में डॉक्टर उमा शंकर खरे उमेश का किया गया सम्मान। देव गुणगान करें, कीरति बखान करें, बुंदेली धरा वीरन की खान है। डॉक्टर उमा शंकर खरे उमेश। शास्त्री विश्व भारती संस्कृति एवं साहित्य शोध संस्थान शास्त्री भवन सीपी बाजार झांसी में मासिक साहित्यिक सरस काव्य संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर उमा शंकर खरे उमेश पृथ्वीपुर ने की। मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त IAS साहित्यकार रहे एवं विशिष्ट अतिथि श्री मदन मानव वरिष्ठ शायर श्री कालिदास साहू पोषक डॉक्टर सुरेश दुबे भी एके हिंगवासिया सेवानिवृत्त SSP डॉक्टर राम शंकर भारती श्री हरिनारायण त्रिवेदी राजभाषा मंत्रालय डॉक्टर मुखराम चतुर्वेदी फौजी रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ श्रीमती ब्रजलता मिश्रा की बुंदेली वाणी वंदना से किया गया। तत्पश्चात वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित काव्य रचना की श्रृंखला का शुभारंभ क्रमशः श्रीमती आरजू अग्रवाल श्रीमती रमा शुक्ला श्री गया प्रसाद वर्मा मधुरेश राम बिहारी सोनी तुक्कड़ पंडित दिनेश शर्मा अताउल्ला खान काशीराम सेन मधुप तेजवान सिंह बुंदेला के साहू राम सिंह परिहार साकेत सुमन चतुर्वेदी निहाल चंद शिवहरे श्याम शंकर नायक यथार्थ अजय कुमार दुबे विनोद शर्मा आदि ने राष्ट्रीय चेतना नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित प्रेरक रचनाओं की प्रस्तुति से कवि गोष्ठी को सार्थक बनाया। इस अवसर पर संस्थान की ओर से डॉक्टर नीति शास्त्री द्वारा अभिनंदन पत्र शॉल श्रीफल भेंट करके पृथ्वीपुर के लोकप्रिय कवि उमा शंकर खरे उमेश का सम्मान किया गया। डॉक्टर भावेश शास्त्री अब्दुल रसीद धीरेन्द्र सुभाष चंद्रप्रकाश जैन अनेक श्रोता उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन श्री सुखराम चतुर्वेदी फौजी द्वारा किया गया। डॉक्टर नीति शास्त्री संयोजिका द्वारा आभार व्यक्त किया गया। झांसी से प्रीतिका बुधौलिया की रिपोर्ट।